मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मंगलवार को प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वास के नेतृत्व में काठीकुंड प्रखंड परिसर में पशु शिविर आयोजित कर कुल 60 लाभुकों के बीच बत्तख, चूजा और बकरी का वितरण किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष जोसेफ सी बेसरा ने लाभुकों के बीच बकरी और बत्तख, चूजा का वितरण किया। मौके पर उपस्थित झिकरा पंचायत के मुखिया अल्बिना मुर्मू और पिपरा पंचायत के मुखिया लुकास मुर्मू एवं झामुमो कार्यकर्ता मुयुद्दीन अंसारी संयुक्त रूप से लाभुकों के बीच पशुओं का वितरण किए। बता दें कि बकरी पालन हेतु प्रत्येक लाभुक को 4 बकरी और 1 बकरा, जबकि बतख पालन हेतु प्रत्येक को 15 चूजों का वितरण किया जाता है। अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती बिश्रा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालन हेतु जरूरतमंद लोगों के बीच पशुपालन हेतु पशुओं का वितरण किया गया। इससे पूर्व भी समय समय पर गाय, मछली, मुर्गी जैसे पशुओं को भी वितरण किया जाता रहा है। इसका उद्देश्य बेरोजगार लोग जो रोजगार के लिए जगह जगह भटक रहे उन्हें उन्हीं के घर में रोजगार प्रदान करना है, ताकि पशुओं का पालन करें, वो अपना स्वरोजगार कर सके। और आज वैसे ही जरूरतमंद योग्य लोगों के बीच पशुओं का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों को रोजगार लाभ प्राप्त हो रहा है। मौके पर AI कर्मी पवन कुमार, लाभुकों के साथ संबंधित लोग उपस्थित रहे। मैडम, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जिसके तहत आज शिविर लगाकर पशुओं का वितरण किया जा रहा है, क्या लगता है मैडम इससे लोगों को कितनी सहायता मिल पा रही है और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि अभी इस क्षेत्र में अभी गरीबी है, लोगों को अगर आगे बढ़ने के लिए या रोजगार दिलाने के लिए मुर्गी दिया जा रहा है, बत्तख दिया जा रहा है, बकरी दिया जा रहा है, जिससे इन लोग को उससे उसको आय वृद्धि मिल सके। तो इसीलिए जो पशुधन योजना के तहत जिन्होंने अपने इच्छा अनुसार जो काम कर सकेगा, जो बकरी पाल कर सकेंगे, जो बत्तख पाल सकेंगे, जो मुर्गी पाल सकेंगे, उन लोग की इच्छा के अनुसार फॉर्म भराया और आज उसी को के अनुपात में इन लोग को मुर्गी और बत्तख पालता जा रहा है। तो इससे निश्चित रूप से इन लोग को फायदा होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।